what is Tanya Crafts? Okay, Tanya Crafts is my first venture. In fact, not the first venture. There were two other ventures which one failed and the other I sold. So, uske baad humne Tanya Crafts establish kiya, which is we deal in bed, bath and kitchen linen and we are exporting to the hospitality and the retail sector in US and Canada. तो हम बाथरोब्स हैं, बाथ मैट्स हैं, होटल्स के लिए प्रोवाइड करते हैं. सो दिस केम अप इंसिडेंटली जबकि हम हाई फैशन फॉर वुमेन कर रहे थे, उस वक्त ये चीज़ हमारे सामने, ये प्रोजेक्ट आया और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता गया तो अब ये मेरा मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया. सो ये तो है तानिया क्राफ्ट. और तानिया क्राफ्ट के अंदर कम्युनिकेशन की बात करें, क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वी हैव टू कम्युनिकेट नॉट ओनली टू आर फॉरेन बायर्स बट वी हैव टू ऑल्सो कम्युनिकेट विद आर डोमेस्टिक वेंडर्स. मतलब तो इट्स योर लाइफ एक्सपीरियंस ऑलरेडी. एब्सोल्युटली, बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी इन अ कॉर्पोरेट, यू आर ऑलरेडी इन अ इंडस्ट्री, तो आपको मालूम है कि मैंने, मतलब ये कहा गया ना कि 27 साल की जो आपकी जर्नी है, जी जी जी, वो इसमें पूरी यूज हुई. बिल्कुल, उसका निचोड़ है ये. निचोड़ क्योंकि कल्चरली बहुत डिफरेंट है, यू नो, आप अमेरिका से डील कर रहे हैं, कनाडा से कर रहे हैं, यूरोप से कर रहे हैं, तो ये पूरा कल्चर डिफरेंट है. और इसी तरह से जब आप एक फैक्ट्री है कोयम्बटूर में और एक फैक्ट्री है लुधियाना में, तो वो भी कल्चरली बहुत डिफरेंट है. हमारा तो देश ही इतना बड़ा और कल्चरली इतना डाइवर्स है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है इट हैज़ टू बी ऑफ अनदर लेवल, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो. एंड डिजिटल एज में सबसे बड़ी जो हमारे साथ विडम्बना कह लीजिए या ऑब्स्टिकल कह लीजिए, वो यही है कि हम ईमेल करते हैं तो ईमेल के अंदर हमारा जो इमोशंस हैं वो ट्रैवल नहीं करते हैं. ठीक है, हम जो फोन कॉल्स कर रहे हैं या जो भी माध्यम हम डिजिटल यूज कर रहे हैं, मतलब इंटरप्रेट, मतलब इंटरफेयर करूंगी इसमें कि जो चैट जीपीटी भी ही आ गया. अरे यस यस यस. तो अब पर्सनल कनेक्शन कैसे? So, हाँ, what is the future of communication? अगर हम ये देखें, what is a very good question, Vartika, and this is very very interesting कि आप इतनी communication की बात कर रहे हैं. अब interpersonal relationships तो है ही नहीं, आप everyday geographically different locations में बैठे हुए लोगों के साथ communicate कर रहे हैं, आपकी जो team है जिसके साथ आप strongly everyday work कर रहे हैं वो भी आपके पास नहीं है. तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से जो आप कम्युनिकेट करते हैं, जो मैंने आपसे पहले बोला कि 55% जो हमारी ट्रांजैक्शन है या जो हमारी कम्युनिकेशन है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है, तो वो तो कम्प्लीटली मिसिंग हो गया. ठीक है, जो हमारी टोन, इंटोनेशन और पिच और वॉल्यूम है वो सब हमारा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गया, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल हो गया. ठीक है, और जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब देखते हुए कि हमारी जो कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वो बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट हो रही है. इसी तरह से आप ये देखिए कि समाज में हर जगह पे ट्रस्ट की एक बहुत बड़ी कमी है. वी डोंट ट्रस्ट आवर लीडर्स, वी डोंट ट्रस्ट पीपल इन पोजीशंस, वी डोंट ट्रस्ट बिजनेसमैन, वी डोंट ट्रस्ट आवर सेल्स पीपल. हम लोग किसी शॉप में जा रहे हैं उसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. आपस में ट्रस्ट कितना, आप प्रैक्टिकली पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो कितने रिश्ते टूट रहे हैं बिकॉज ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा है. So as such, because of the digital media that we are using, whether it is through social media, आप देखिए हमारे पास इस वक्त कम्युनिकेट करने के इतने मीडियाज अवेलेबल हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, हजारों फ्रेंड्स होते हैं हमारे फेसबुक के ऊपर, इतने सारे कनेक्शंस होते हैं ट्विटर और लिंक्डइन के ऊपर. हम उनसे कभी भी वन टू वन कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं. हम तभी करते हैं जब हमें कोई मतलब होता है, तो वहाँ ट्रस्ट का कोई फैक्टर अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होता, वहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होते हैं. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंडली व्हाट आई फील इज कि आपने चैट जीपीटी के नाम लिया और एआई हैज रिप्लेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. आज जो हम लोग एम्प्लॉई से काम चाहते हैं अपने ऑफिस में, वो आज एआई कर रहा है, तो क्या हमारी कम्युनिकेशन जीरो हो जाएगी? मुझे नहीं लगता, बल्कि अब वो टाइम आ गया है जब हमें अपनी कम्युनिकेशन को और सुपीरियर लेवल पे लेके जाना है. नहीं आ पाएगा, इसीलिए अब आपको कम्युनिकेशन और बेहतर तरीके से समझना होगा और वो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी जो केवल इंसान ही कर सकता है. ट्रस्ट मशीनों में नहीं होता, ट्रस्ट इंसानों में होता है, और एम्पथी इंसानों में होती है, कनेक्शन इंसानों में होते हैं. तो आपको अपनी कम्युनिकेशन उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा. मुझे लगता है कि अब
टाइम आया है व्हेन पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने डोमेन में कितने भी अच्छे हो, आपकी कॉम्पिटेंसीज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बहुत अव्वल हैं, 99% लेके आप पास आउट हो रहे हैं, बेस्ट कॉलेजेस से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन लैकिंग है तो वो गैप क्रिएट करेगा आपके सक्सेस पाथ में. सो कम्युनिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट एंड आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. कहते हैं ना कि मशीन की तो वारंटी है, इंसान की वारंटी नहीं है, और वो गारंटी जो बनती है वो एक्चुअल में इंसान की ही बनती है, जस्ट बिकॉज ट्रस्ट. Machines किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं. सो यू कैन नॉट से दैट एआई विल बी रिप्लेसिंग द पीपल. इट इज नॉट हैपनिंग. इट इज नॉट हैपनिंग. किसी भी चीज को हम ट्रस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि वो वारंटी पे है, पर इंसान का खुद का इमोशंस इज दैट इज वारंटी दैट इज क्रिएटिंग इन फ्रंट ऑफ. मैंने आपसे अक्सर एक बहुत एक शब्द एक सेंटेंस बहुत सुना है, दिस यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी एंड यू आर अ मेरिट होल्डर. You are the merit holder of this university. The universe is a university and is what it is. The trauma from childhood se abhi tak ki journey. Yes. Childhood. Okay. ठीक है. सो कुछ तो आपने yes, आज जहां सो आई एम अ फौजी चाइल्ड है ना. आई एम अ फौजी डॉटर. सो माय फादर बीइंग इन द आर्मी, सो वी हैड अ वेरी गुड फॉर्चून ऑफ ट्रैवलिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट्स में आ गए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करना शुरू हो गए. एक तो ये, तो जब भी हम दो साल से ज़्यादा किसी भी जगह नहीं रह पाते थे वर्तिका, तो हमारी हर बार जब माय फादर गॉट ट्रांसफर्ड वी वर गोइंग टू अनदर प्लेस. था मेरे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल, मैं आपको बताती हूँ. वो ये था कि देखिए, एक बच्चा जिसको आप उसको अप्रूट कर रहे हैं एवरी टाइम, तो उसको दूसरी जगह पे एस्टैब्लिश करना, उसको वो कॉन्फिडेंस आना, उस स्कूल को समझना, नए दोस्त बनाना बहुत तकलीफ वाली बात होती थी, है ना. तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने उसको हमेशा एज एन एडवेंचर लिया, और वी आर गोइंग टू न्यू प्लेस, वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस. हम लोग एक लिस्ट बनाते थे कौन कौन सी जगह विजिट करनी है, कौन कौन से वहाँ पे आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं, ये देखो वो देखो, ऐसा ऐसा करके. तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने दी, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने दी कि आपको बार बार अप्रूव किया जा रहा है. तो हमें हर वक्त जो लाइफ है एक एडवेंचर ही लगा. नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, नई मस्ती करेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई पार्टीज, नया फन, नया पिकनिक्स होंगे. सो पॉजिटिव रहा बहुत. सो ये एक एटीट्यूड बन गया ऑफ पॉजिटिविटी, एक एटीट्यूड बन गया कि वी विल अडैप्ट वेयर वी विल गो. वी विल, हमें जहाँ आप प्लांट कर देंगे हम वहाँ ब्लूम कर जाएंगे. ठीक है, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए वर्क था आई थिंक. मतलब उस वक्त तो नहीं पता था, लेकिन हाँ अब मैं जब व्हेन आई गो बैक एंड लुक एट इट एंड व्हेन आई हैव माय ओन चिल्ड्रन, देन आई फील यस, दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थिंग. ऑब्वियसली वो ये नहीं कहते थे कि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो हमें बाय देयर ओन वे ऑफ लिविंग उन्होंने हमें सिखाया कि भाई किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, एडेप्टेबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, नए लोगों से कैसे मिलते हैं, लैंग्वेज स्किल्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पेशेंस, ये सब शायद हमें चाइल्डहुड से ही मिला. लाइफ जर्नी में अपने आप ही क्रिएट होते हैं. सो मैं ये ऑफकोर्स स्कूलिंग और मेरा अकेडमिक्स इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ हु आई एम, बट आई थिंक द यूनिवर्स दैट हैज टॉट मी, यू नो, जो मैं लोगों से जो मिली, और अभी भी जो मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके हम महिलाओं से मिलते हैं और देखते हैं कि वो लोग क्या उत्पादन कर रहे हैं या किस तरह से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं. हर रोज कोई नई चीज़ सीखते हैं, हर रोज कोई नई चीज़ सीखते हैं. आज हम जब आपके साथ बैठे तो मुझे समझ आया कि साउंड सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, साउंड कैसे एलिमिनेट हो सकती है. तो एवरी डे बच्चों से सीख लेते हैं कि भाई अब हम नेचुरली दे आर डिजिटली नेटिव पीपल एंड वी हैव जस्ट लर्न टू बी ऑन ऑल ऑफ दी सोशल मीडिया, सो दे आर टीचिंग अस एवरी डे. तो जो यूनिवर्स हमें सिखा सकती है तो वो बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है. और स्कूल कॉलेजेस को हम बहुत ज़्यादा, मैं जो भी पेरेंट्स हमें वॉच कर रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगी, हम स्कूल कॉलेजेस को अकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं या इम्पोर्टेंट समझते हैं. बच्चों में प्रैक्टिकल लर्निंग थ्रू योर सेल्फ, आप उसके सबसे बड़े टीचर हैं, तो आप उनको जो वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस उनमें क्रिएट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको डीमोटिवेट नहीं करिए, उनको प्लीज़ इंस्पायर करिए कि वो कुछ बन सकते हैं, उनके हाथ में उनकी
किस्मत है एंड दे शुड बी क्रिएटिंग देयर लाइफ इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ डीमोटिवेटिंग हैंड.